हेलो एवरीवन, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो आज आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है एनटीए की तरफ से। काफ़ी टाइम से डायलेमा चल रहा था कि एनटीए जो है आपकी रिस्पांस शीट जारी करेगा कि नहीं करेगा, बट फाइनली एनटीए ने डिसाइड किया है और डिस्क्लोज कर दिया है कि आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो आ चुकी है। आपको क्या करना है, किस तरीके से देखना है, किस तरीके से चीज़ें मैच करनी है, किस तरीके से चैलेंज करना है, सब कुछ बताएंगे हम आज इस वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और आपको बता दें, नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड आपको इस चैनल पर प्रोवाइड हो रही है। साथ ही अगर आपके सिबलिंग्स हैं 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में, तो आप उनको बता दें कि अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। आपके कोई फ्रेंड हैं तो उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें। और तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है अपने आईडी और पासवर्ड से। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको ओएमआर चैलेंज का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही ओएमआर चैलेंज के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन रहेगा ओएमआर डाउनलोड ओएमआर और एक ऑप्शन रहेगा ओएमआर चैलेंज का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओएमआर डाउनलोड पे, डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओएमआर शीट को अपने डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने ये ओएमआर शीट डाउनलोड कर ली। अब जब ये ओएमआर शीट डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इस तरीके से ये ओएमआर फिल की होगी, कुछ इस तरीके से ये आपकी ओएमआर मान लेते हैं फिल है, ये आपकी ओएमआर जो है कुछ इस तरीके से फिल है। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 180 क्वेश्चंस तक जो है आपके जो भी ऑप्शन आपने फिल किए हैं वो आपको इस ओएमआर में दिख जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ओएमआर का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको डाउनलोड, आपको जो है चैलेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप चैलेंज ओएमआर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से 1 से लेकर 180 क्वेश्चंस तक की लिस्ट आपको मिल जाएगी जो एनटीए की तरफ से जारी की गई है। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अब आपने ओएमआर में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सेकंड ऑप्शन चूज किया था और अगर आपको यहां पे सेकंड मिलता है, दैट मींस एनटीए ने आपकी ओएमआर शीट का जो रिस्पांस था वो सही रीड किया है, ये बी ऑप्शन आपको मिल गया। सेकंड वाले के लिए मानते हैं, सेकंड वाले के लिए जैसे आपने ए फिल किया था तो यहां पे ए मिल गया आपको, तो ये भी ठीक है। बट अगर मान लेते हैं थर्ड में आपने सी फिल किया था बट बाय मिस्टेक इस एनटीए ने इसको बी रीड कर लिया है, आपने जो थर्ड ऑप्शन का, आपने थर्ड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी चूज किया था बट एनटीए ने इसको क्या मान लिया, बी, दैट इज ये रॉन्ग है, आप इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप 1 से लेकर 180 क्वेश्चंस तक चेक करेंगे अपनी ओएमआर शीट का रिस्पांस और एनटीए ने जो रिस्पांस शीट दी है, आप इन दोनों को टैली करेंगे और देखेंगे कि जो आपने ऑप्शन फिल किया है क्या यही ऑप्शन आपको एनटीए प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भरा था और एनटीए ने कुछ और एज्यूम किया है, गलत रीड हुआ है, तो उसको आप चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने की जो फी है वो पर क्वेश्चन 1000 रुपी है। अगर आपका चैलेंज सही पाया जाता है तो आपको जो 1000 रुपी है वो रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर आपका चैलेंज गलत पाया जाता है तो आपको 1000 रुपी रिफंड नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें, ये जो चैलेंजिंग की जो प्रोसेस है, जो नीट ने जो एनटीए ने ड्यूरेशन दिया है वो 48 आवर्स का दिया है। कल आपकी रिस्पांस शीट आ गई थी, दैट मींस अगर कल से आप 48 आवर्स काउंट करेंगे तो 7 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी चैलेंजिंग की। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है कि आपकी ओएमआर शीट और एनटीए के द्वारा जो मार्किंग की गई है अगर नहीं टैली किया है, तो फटाफट जाइए आप, जाके एनटीए की वेबसाइट पर टैली कीजिए और देखिए आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।